नमस्ते, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से प्रसारित विरासत में आपके एक बार फिर स्वागत बा। आज के विरासत आधारित रही मॉरिशस के एगो राष्ट्रीय धरोहर पर जो न पॉम्पलेमूस के बोटानिकल बाग। ये बोटानिकल बाग बहुत खास है, कहे कि दक्षिण हेमिस्फीयर के इस सबसे पुराना बाग मानल जाला और सबसे बड़ा भी। और यहाँ पर कम से कम 800 किस्म के पेड़ पौधा लता और फूल बा। पर्यटक लोग हमेशा ये बाग के दौरा करे आवेलन जा और मौसम के अनुसार यहाँ के पेड़ पौधा फूल और झील में भी जोन फूल है यहाँ के सफ़ेद वाटर लिली, कमल के फूल, नेनुफा, ये सब समय के मुताबिक फूलेलन सा। समय मतलब कि मौसम, या तो सर्दी में या फिर गर्मी में अलग अलग किस्म के जोन प्लांट बा उ लोग फुलालन सा। लेकिन अभी हालिया समय से जब मौसम परिवर्तन के समस्या विश्व भर के ओकर जलवायु ओकर मौसम पर प्रभाव छोड़ता, मॉरिशस भी ई मौसम परिवर्तन के असर से अछूता नहीं बा। यहाँ ई बाग में भी अब जोन फूल सर्दी में खिलत रहल तो ज़रूरी नहीं बा कि उही अवधि में खिली, और जोन गर्मी में फुलात रहल उ भी समय के अक्ते या फिर समय के बाद फुलाला। तो ई मौसम परिवर्तन के असर है। ई बाग में 800 किस्म के वनस्पति के सिवाय यहाँ पर जीव जंतु भी बा। और ई बाग के सैर करते हुए हमने आपके ई सब पर जानकारी दे ली जाब जा। ई बाग के स्थापना हो रहा के अफवाह द्वारा 1700 के जमाना में। पॉम्पलेमूस के ई बोटानिकल गार्डन में प्राकृतिक सौंदर्य तबाही, लेकिन साथ में एकर एगो ऐतिहासिक मान्यता भी बा। यहाँ पर लगभग 85 कठोवस्या किस्म के पालमिये बा, पॉल्म ट्री जे के बोलीला जा। और एकर में मुख्य है रॉयल पॉल्म, राफिया पॉल्म, बोटल पॉल्म और सबसे खास टालिपो पॉल्म। टालिपो पॉल्म के एगो गांछी उ सकेला 25 मीटर ऊँचा रहे और ओकर गांछी अपन जीवन में खाली एक ही हरा फुलाला और ई 50 से 100 बरिस के बीच ओकर अवधि है। तो अभी सौभाग्य बा हमने के कि ई जो अवधि में आल है जा यहाँ पर टालिपो पॉल्म के गांछी फुलाल बा, जोन सकबा देखे हमर पीछे। बाग के नाम ही बोटानिकल गार्डन है, तो एक खासियत भी बॉटनी से जुड़ल बा। और इस हिसाब से ये विशेष इस वजह से है कि यहाँ पर अनेक दुर्लभ गांछी बा, अनेक एंडेमिक गांछी बा, जोन कुछ तो हिंद महासागर में पावल जाला, कुछ हिये के दुर्लभ गांछी है और बहुत एकर में से दूसर दूसर देश से आना गल बा, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर के जन अन्य टापू बा हुआ से भी आन के यहाँ पर प्लॉटल बा। और यहाँ के एगो खासियत यहाँ के माओगानी के गांछी भी है जोन अभी हमार पीछे देखा था वा। और यही गांछी के नाम पर यहाँ के जोन एगो बड़ा शॉपिंग मॉल बा ओकर नाम रखा गया बा। तो इस वजह से पॉम्पलेमूस के ये जोन बाग बा और इलाका बा ये काफ़ी ख़ास है, कहे कि यहाँ पर ग़ुलामी से जुड़ल इतिहास भी काफ़ी गहरा बा। यहाँ के जितना गांछी बा शुरू शुरू में 1700 में जब पियापाव यहाँ पर रहल तो एस्क्लाव के द्वारा ही, मतलब जे लोग के गुलाम बना के रखा गया रहल उ लोग के द्वारा ही यहाँ पर गांछी पहुँचल रहल। और ई बाग के
ओकर मुख्य आकर्षण यहाँ के नेनुफा है, यहाँ के वाटर लिलीज, व्हाइट वाटर लिलीज और यहाँ के कमल के फूल के तालाब है। बाग की विशेषता यहाँ के कमल के फूल भी है। बहुत बड़ा मात्रा में यहाँ पर कमल के फूल खिलेला, लेकिन ये फूल ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में खिलेला और जितना समय तक घाम रही, रोशनी रही, तब तक ये खुला रहेला। जैसे घाम डूबेला वैसे वैसे ये फूल बंद भी हो जाला। और कमल के फूल हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना गलबा, अलग अलग उपमा देवल जला कमल के फूल से। ये भी मानल जला कि हंस कमल के फूल के डंडी खा के वो जिंदा रहेला। जे कमल के फूल बड़ा संख्या में देखे चाहबा तो तोहरा चाहिए ये बाग में आवे के, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में और जब काफ़ी धूप खिलल रही तब। अभी हमने ये ऐतिहासिक बाग के एगो धार्मिक इलाका में है जा, एगो रिलीजियस कॉर्नर जो हाल ही में स्थापित करा गल बा। और अभी हम पीपल के गांची के नीचे है, यही गांची के तरह बुद्ध के निर्माण मिल रहा है। और ठीक सामने में बर के गांची भी बा, यहाँ पर रुद्राक्ष की भी गांची बा। रुद्राक्ष जो धार्मिक माला ओकर से बनावल जाला और रुद्राक्ष के गांची के जो पत्ता है वो गिरे से आगे पियर के बजाय लाल रंग के हो जाला, बहुत सुंदर बा। और एक संगे संगे यहाँ पर सुपारी के गाछी, मेहंदी, परिजात, वेचिवेया, कोको, ये सब यहाँ पर पैबा। मतलब कि जोन जोन सामान, जोन जोन चीज के ज़रूरत पड़ेला एगो पूजा में, जोन फूल, फर, पत्ता या फिर जोन लकड़ी के ज़रूरत पड़ेला हमने के धार्मिक कार्य में, वो सब यहाँ पर पैबा। कृष्णा कदम्बा और शमी के गांची भी बा। शमी जो जब ग्रह लगेला कोई पर तो ग्रह उतारे के ओकर समा करल जाला। और अशोक वृक्ष भी जो सही मायना में अशोक वृक्ष है वो यहाँ पर पैबा।
बाग में धार्मिक उपयोगिता खातिर जोन गांछी प्लांटर बा ओकर में कॉफ के गांछी भी बा जोन यज में इस्तेमाल में आवेला और साथ में एगो बहुत ही खास पेड़ बा एगो गांछी जेकर नाम है कानन बॉल ओकर फर कानो जैसन गोल रहेला बड़ा लेकिन ओकर फूल जब देखबा तो तोहरा ओकर में ब्रह्मा विष्णु और महेश के छवि लौकेला ऐसन एगो फूल बा ओकर में जो बहुत ही मनमोहक है और ओकर सुगंध भी बहुत अच्छा बा एकर अलावा यहाँ पर पलश और पारस के गांची और लता भी बा जो धार्मिक कार्य में पूजा पाठ में इस्तेमाल में आवेला तो इस तरह से देखा थे जा कि ये जो बोटानिकल गार्डन बा ओकर विशेषता बहुत बड़ा बा एगो कार्यक्रम में ले सकब जा सब कुछ प्रस्तुत करे और आज के कार्यक्रम में ख़ास तौर पर यहाँ पर पावल जाए होला वो सब गांची फर या फल या फिर लकड़ी और पत्ता पर ध्यान दे दीजा जो धार्मिक कार्य में उपयोग में आवेला कार्यक्रम में हमने बोटानिकल गार्डन के कुछ खास खास जो पेड़ पौधा बा ओकर पर ध्यान दे दीजा 37 एकड़ जमीन होला ई बाग पर एगो कार्यक्रम में ले सकब जा सब कुछ पूरा करे तो आज के जो कार्यक्रम रहल हमने संगे रलन बोटनिस्ट सरिता बालमोकन जी और उनकर संगे हमने के अगला कार्यक्रम जारी रही जब हमने यहाँ पर एक बार फिर आके एकर जन अलग अलग किस्म के पेड़ पौधा बा ओकर पर ध्यान देव जा आशा करत है जा कि आज के ये कार्यक्रम जोन प्रकृति के सुंदर नज़ारा से जुड़ल रहा आपके पसंद आए अगला विरासत तक हमने के आज्ञा द धन्यवाद नमस्ते।